टौणी देवी विकास खंड के तहत आने वाली ग्राम पंचायत पोहंस का प्रतिनिधि मंडल बस तथा पटवार सर्कल में पटवारी न होने की समस्या को लेकर उपायुक्त हमीरपुर से मिला। ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि कड़ियाल और बोडू सर्कल में पटवारी के न होने से इस पंचायत के ग्रामीणों को खासी परेशानी आ रही है। ग्राम पंचायत पोंछ के तहत आने वाले गांव जंदड़ू तथा चारियांदी धार के क्षेत्र के ग्रामीणों को खासी परेशानी आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या के बारे में उन्होंने प्रशासन से लिखित शिकायत की है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। दूसरी, इस क्षेत्र में बस न होने की गंभीर समस्या पेश आ रही है। इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। इस बारे में ग्रामीणों ने पंचायत के माध्यम से कई बार प्रस्ताव डालकर भी अपनी मांग कर चुके हैं। पंचायत प्रधान वीणा देवी तथा उप प्रधान विपिन सिपहिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपायुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। आज हम यहाँ पे अपनी जो जरडू बेल्ट है, दूर से लेकर जरडू तक जो हमारी बेल्ट है, इसमें दो समस्या हमारी बड़ी दिनों से चल रही है। इसके लिए हम डीसी महोदय जी से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे सारा जनसमूह जो है इकट्ठा हुआ है। हमारी जो समस्या है तो HRTC की जो बस है सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो है, हमारे जो 15 गांव इसमें लगभग आते हैं, इसके लिए बस की बहुत असुविधा है, लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी हम डीसी से मिलने जा रहे हैं। और दूसरा, जो हमारा बोडू और कटिहार का जो पटवार सर्कल है, पिछले कई सालों से जो है ये जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है, और जो भी विकास के काम करवाने होते हैं पंचायत के माध्यम से करवाने होते हैं, या किसी बच्चे ने जो है अपना जो है सर्टिफिकेट लेना होता है, तो पटवारी ना होने के कारण जो है हमें बहुत असुविधा का इसका करना पड़ रहा है। इसलिए हम जो है किसी बहुत तेजी से प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि इनकी हमारी जो समस्या है उनको हल किया जाए, और इसके लिए जो है विभाग को जो है बताया जाए, इसलिए हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पर उपायुक्त महोदय से हमारी एक बस की समस्या है उसको पूरा करवाने के लिए आए हुए हैं। हमारी पूरी पंचायत पूरा प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है यहाँ पे, और गांव के कुछ नागरिक आए हुए हैं हमारे साथ। तो हमारे ऊर से लेकर सुजानपुर तक 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक कोई भी बस नहीं है, कोई बस की सुविधा नहीं है। जैसे हम ऊर में आते हैं या किसी काम के लिए आते हैं, बच्चे आते हैं, तो हमें 2:30 बजे तक इंतजार करना पड़ता है, या फिर अपनी कोई अपनी टैक्सी कराएं या कुछ भी साधन या पैदल जाए, उस तरह से हमें खर्चा करना पड़ता है। कहते हैं कि हमारी ये जो समस्या है इसे उपायुक्त महोदय इस पर विचार करें और हमारी समस्या को दूर करें। और हमारे पास जैसे बोड़ सर्कल है और कड़ियार सर्कल है, वहाँ कोई पटवारी नहीं है, और आज के हर काम में हम पटवारी से हुआ है, चाहे पंचायत का है, चाहे बच्चों के लिए जैसे उनका इनकम सर्टिफिकेट मंगवाते हैं या कुछ भी मंगवाते हैं, तो पटवारी के पास जाना पड़ता है। तो वहाँ हमारे पास पटवारी कोई भी नहीं है। हमारी एक समस्या तो बस की है और दूसरी है पटवारी की, उसके लिए हम इधर आए हुए हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम चाहते हैं उस बस को दोबारा 8 बजे किया जाए, और 12:30 बजे हमें कोई बस नहीं है। एक बस है 12:30 बजे, वो भी हमें इधर से जाती है वो जाकर खड़ी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि वो भी बस अगर 12:30 बजे की वजह इधर से 1 बजे चले तो हमारी समस्या जो हल हो जाएगी। उपायुक्त हमीरपुर ने ग्रामीणों को बस सुविधा की शिकायत व पटवारी न होने की शिकायत के शीघ्र समाधान का विश्वास दिलाया है। उपायुक्त ने कहा कि शीघ्र पथ परिवहन निगम व राजस्व विभाग को निर्देश दिए जाएंगे।